हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भानुरी लव स्टाइल। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से, और इस वाले व्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखना, और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस, ये है 15 नवंबर का व्लॉग। तो गाइस, आज उठते ही मैं लग गई थी सुबह सुबह सफाई में, क्योंकि घर काफी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह सफाई करते हैं नहाने से पहले। और क्योंकि अभी मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी गई हुई है कहीं पे, तो वो 2-3 दिन में आ जाएंगी, तो मैंने कहा चलो सुबह पहले सफाई करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो जो कारपेट वगैरह बिछा हुआ था वो भी मैंने उठा दिया था, और जो जैकेट थी बच्चों की और इनकी, ये मम्मी को कल रात छोड़ने गए थे ना, तो रात को ठंड लगती है बाहर हाईवे वगैरह पे, तो इनकी रात को जैकेट पहनने गए थे, सक्षम भी गया था अपनी दादी को छोड़ने, तो वही यहाँ पे मैंने इनकी जैकेट वगैरह उठा के रखी है। और फटाफट फिर झाड़ू लगाई, कारपेट से बहुत झाड़ू निकलती है। उसके बाद किचन वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया, जो सारे रूम थे सारी सफाई वगैरह अच्छे से कर दी थी। और उसके बाद आज मैंने सोचा था कि मैं अपने रूम की करूंगी डीप क्लीनिंग, क्योंकि बेड के नीचे ना बहुत ज्यादा कूड़ा हो रहा था, और कुछ बच्चे ना पीछे से फेंकते रहते हैं बेड पे ना, ऊपर चढ़ के फेंक देते हैं। तो आज मैंने पहली मतलब रात को सोच के सोई थी कि मेरे को बेड के पीछे अच्छे से करनी है सफाई सारी क्लीनिंग, तो पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी थी मैंने, उसके बाद मैं अपने रूम में गई थी, क्योंकि वहां लगता मेरे को टाइम, तो इसलिए मैंने कहा पूरा घर पड़ा रहेगा, पहले घर की निपटाई उसके बाद करी अपने रूम की। रिद्धि सिद्धि खा रही है बिस्किट। कौन सा बिस्किट खा रहे हो? ऐसे करो हेलो। सक्षम भी उठ गया है। गाइज, सारा घर क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और देखो पीछे से निकला है पिलो, ये बच्चे फेंक देते हैं पीछे, और साथ में चला लिए थे मैंने गाने भी इंजॉय करते रहे, और सफाई भी करती। दिवाली पे करी थी लास्ट, उसके बाद अब करी है, तो इतने दिन में इतना ज्यादा कूड़ा हो गया, अब की बार तो बहुत ज्यादा हो गया था। सो गाइज, देखो कितना सारा कूड़ा निकला है बेड के नीचे से और इधर कॉर्नर में से, तो आज अच्छे से डीप क्लीनिंग मैंने कर दी है, मतलब अभी तो कर रही हूँ। ये ना एक्चुअली फैन चलता है ना, तो सारी चीजें बेड के नीचे घुसती रहती हैं हवा से ना, तो बच्चों के टॉयज निकले हैं, ये पन्नियां जल्दी उड़ जाती हैं, तो ये निकला है ना, तो बिस्किट निकले हैं, देखो बच्चों के काम, ये देखो खाने के लिए बिस्किट दो, बेड के नीचे से निकलते हैं फ्रेंड। अच्छे से कूड़ा वगैरह जब सारा क्लीन करने के बाद मैंने लगा दिया था सारे में पोछा, और जो रिद्धि सिद्धि हैं वो भी नहाने जा रही थी अपने पापा के साथ, सक्षम भी आ गया था अपना हेयर कटिंग करा के, वो हेयर कटिंग कराने गया था पापा के साथ, तो ये लोग भी आ गए थे, ये इतने नहला रहे थे, मैंने कहा फटाफट इनको करो फिर मैं नहा लूंगी, तो सारे में अच्छे से पोछा लगा दिया था, पोछे के बिना तो सफाई होती ही नहीं है घर में, तो अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी मैंने आज। सो गाइज, अभी बजे हैं 11 और घर का सारा काम मेरा हो गया है, मतलब खाना वगैरह रह रहा है, बट डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, और बच्चे भी नहा लिए हैं। लो हेलो कर दो, हेलो। तो बस अब मेरा नहाना रह गया, इसके पापा नहाने गए हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे तो मैं नहाने चली जाऊंगी। हेलो हेलो। सो गाइस, मैं हो गई हूँ नहा के रेडी, और अभी 12 बज गया आज, तो वरना रोज सुबह 7 बजे नहाने वाले, आज 12 बजे नहाइए देख लो काम वाम में ना ऐसे हो जाता है। तो गाइज, बस अब मैं खाना बनाऊंगी दोपहर का, और सक्षम भी थोड़ी देर में शायद जाएगा ट्यूशन 12:30 या 1 बजे के आसपास, अभी मैसेज आ जाएगा मैम का, और बस अब खाना बनाती हूँ। आटा तो मैंने कर दिया, बस मेरे को सब्जी छोकनी है, बीन्स बनानी है, तो रात को ही काट के रख दी थी मैंने बीन्स। आज मेरे को जाना है थ्रेडिंग कराने, थ्रेडिंग ना काफी हो गई है मेरी, और करवा चौथ पे भी नहीं कराई थी, उससे कुछ दिन पहले ही कराई थी, तो उस टाइम ग्रोथ ही नहीं थी, तो आज वो भी कराने जाना है, तो चलेंगे थोड़ी देर में, उसके लिए भी पहले इनको सुला उला दूंगी, तब जाऊंगी फ्री होकर आराम से। तो चलिए अब खाना बनाएंगे, फिर आराम से बैठ के सर सुखाऊंगी, बाल गीले हैं भी तो ऐसे करके बांध लिए, फिर ना काम करने में आसानी रहती है ऐसे बांध लो अगर, तो चलिए खाना रेडी कर देते दोपहर का। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब खाना बनाने के लिए, और सबसे पहले मैंने करी है गैस वगैरह क्लीन, क्योंकि इन्होंने सुबह चाय बनाई थी ना तो गंदी सी हो गई थी, तो बिना सफाई के तो मन भी नहीं करता कुछ ना कुछ पड़ा रहे, तो बस गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर दी, उसके बाद काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, और आंटी बर्तन कर गई थी, बर्तन भी लगाने थे, तो मैंने कहा पहले खाना रेडी कर देती हूँ बर्तन फिर लगाऊंगी। तो सुबह हमने चाय और ब्रेड खा लिए थे, इन्होंने बनाई थी चाय बल्कि, क्योंकि भूख लग रही थी मेरे को भी, और सफाई में लग गया था आज बहुत टाइम, और मुझे तो सुबह खाने की आदत है, मैं इतना लेट नहीं करती ब्रेकफास्ट, तो इन्होंने चाय बना दी थी और ब्रेड हमने ले लिया था, तो मैंने कहा चलो अब खाना बना देती हूँ। और ये देखो रिद्धि सिद्धि लगी हुई है यहाँ पे बर्तन फैलाने में, ये ना चकला बेलन बेलन ले जाती हैं और इधर उधर फैलाती हैं, कभी चम्मच ले गई कभी कुछ ले गई, यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाती हैं बर्तन, तो सुबह सफाई करो ना तब निकलते हैं सोफे वगैरह के नीचे से ये। तो बस मैंने आलू वगैरह काट दिए और टमाटर वगैरह सब फ्राई करके अच्छे से बना दी थी सब्जी, और आटा तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कर दिया था, तो मैंने कहा पहले सब्जी छोक देती हूँ आराम से।
अगर सब्जी और आटा रेडी हो ना तो खाने की टेंशन नहीं रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से पहले ही बना के रख दूँ दोनों चीज़, सब्जी भी कर दूँ और आटा भी कर दूँ। रोटी तो फिर जब सब खाते हैं तभी बन जाती है, तो इससे क्या बर्डन नहीं रहता। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ हमेशा, आप लोग भी ऐसे करते हो तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि सब्जी और आटा हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि आधा काम पूरा हो गया है बस। इसके बाद जो छोटे मोटे बर्तन थे वो भी मैंने अच्छे से कर दिए थे क्लीन, जैसे जिसमें सब्जी काटी हो या जो छोटा मोटा टमाटर काट के रखे थे वो सब मैंने पानी से धो के रख दिए थे बर्तन। और उसके बाद मैंने आज करी थी सिंक की क्लीनिंग, क्योंकि काफी टाइम से कर नहीं पाई थी मैं, तो गंदा काफी हो रहा था। मैंने कहा चलो आज सिंक अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो सिंक वगैरह हम जो है अच्छे से करते रहते हैं, डेली करते हैं, तो वो अच्छे से साफ रहता है। तो आप हार्पिक वगैरह डाल के कर सकते हैं, सर्फ डाल के कर सकते हैं। तो मेरे पास जो अभी साबुन का पानी था मैंने तो इसी से कर दिया, और अच्छे से सारी स्क्रब जो टंकी होती है ना अच्छे से स्क्रब कर दिया था, और चारों तरफ जो टाइल्स वगैरह थी उनको भी अच्छे से क्लीन कर दिया। अगर हम डेली बेसिस पे करते रहेंगे ना तो काम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, और दूसरा सिंक ना बहुत गंदा नहीं होता अगर आप डेली बेसिस पे करते रहेंगे तो। आप 5-6 दिन सिंक क्लीन ना करो तो इतना गंदा हो जाएगा, इतनी बदबू हो जाएगी उसमें, इसलिए हम तो डेली बेसिस पे करते हैं। और जो नीचे की जाली होती है ना, इसमें जाली लगाई हुई है हमने, तो उससे क्या कूड़ा भी नीचे नहीं जाता, तो सिंक की जो नाली होती है मतलब वो भी साफ रहती है। तो डेली के डेली अपना 2-3 बार दिन में साफ कर देते हैं जाली को, तो सिंक पूरा अच्छे से क्लीन रहता है और बदबू भी नहीं होती है इसमें। इसके बाद मैंने अच्छे से पानी से धो के और सब सुखा दिया था, सूखा कपड़ा मार दिया था तो सब सूख गया था अच्छे से। देखो रसोई हो गई कि अच्छे से मेरी क्लीन, बस बर्तन लगाने हैं, वो मैं थोड़ी देर में लगा दूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो क्या कलाकारी, कौन सा योगा पोज हो रहा है ये, और देखो आधी किचन यहाँ आ गई है। क्या हो रहा है ये रीति सिद्धि, मैं खाना बना रही है, हलवाई आ गए। क्या बना रहे हो हलवाई जी? मैं ये देखो आपका बटन नहीं बंद करा मैंने, ये लो सक्षम की हेयर कटिंग हो गई आज, कैसे कितने गंदे लग रहे हैं बाल सक्षम के, टेढ़े टेढ़े सर काटे हैं बिल्कुल। बाकी सारा घर क्लीन हो गया अच्छे से, साफ सफाई सब हो गई। यहाँ पे कारपेट डाल दिया मैंने क्योंकि अब सर्दी है, एक इधर डाल देते हैं छोटा सा। और बेडशीट चेंज नहीं करी क्योंकि बेडशीट जो है अभी फैन ठीक करवाना है हमें, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, उसके बाद चेंज करूंगी बेडशीट भी। तो गाइस आज सुबह लगा दिए थे मैंने कपड़े भी, जब मैं सफाई कर रही थी तो कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा सर भी सुखा लेती हूँ और कपड़े भी सुखा देती हूँ। तो वो यहाँ पे मैं सारे कपड़े सुखा रही हूँ अपने बच्चों के साथ, तो ना डेली कपड़े धोने पड़ते हैं, वरना तो पहले हम दिन में हफ्ते में 2 बार छोड़ देते दिन, लेकिन अब तो हमें डेली ही धोने पड़ते हैं। और अब तो सर्दी आ जाएंगी तो कपड़े सूखते नहीं है, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती है सर्दियों के टाइम पे, तो कपड़ों की ना धूप निकलती नहीं है, कपड़े सूखते नहीं है, तो बच्चों के साथ एक्स्ट्रा कपड़े रखने पड़ते हैं इसीलिए हमको। तो वही बस काम चलता रहता है, यही जिंदगी है भैया, काम बच्चे जब तक छोटे हैं तो तब तक तो बहुत काम है, तो कपड़ों का तो काफी हो जाता है धोने का, क्योंकि डेली ही फिर मशीन लगती है। तो फ्रेंड्स आज देखो हमने निकाल लिए अपने सर्दियों के कपड़े, अपने नहीं मतलब बच्चों के, तो इतने कपड़े हैं और भी कई सारे थैले हैं, तो सब छाटेंगे आज हम। और ये देखो क्या मस्ती चल रही इनकी, ये शूज पहन रखे हैं, पजामी पहन नहीं रखी, शूज पहन के बेड पे चढ़ी हुई है, इन्होंने उतारे हैं ऊपर से वहां रखे हुए थे अलमारी में। और ये देखो पढ़ाई नहीं कर रहा, कल पेपर है, मस्ती चल रही है। पर और ये कपड़े पड़े हैं तय करने के लिए, करूंगी थोड़ी देर में, कपड़े सुखा दिए सारे मैंने बाहर, देखो कितने सारे कपड़े धुले आज, पूरी रस्सियां भर दी। तो फ्रेंड्स खाना रेडी है देखो, और बीन्स की सब्जी, रोटी, और साथ में रात की बची हुई है मेरी मेथी की भुजी, तो वो ले ली थी, और साथ में ले ली दही। खाना खा के मैं जा रही हूँ अब थ्रेडिंग कराने के लिए, क्योंकि पास में ही है तो मेरे को करानी थी, अब दीदी सीधी सो रही है, तो मैंने कहा कि चलो पहले थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, जरूरी है। और थ्रेडिंग कराने के आने के बाद मैंने करा था थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि मैं काफी थक गई थी सफाई वगैरह करके। सो गाइज अभी शाम हो गई है और मैं अभी बच्चों के कपड़े अरेंज कर रही हूँ सारे ये, और अभी पीछे हो रहा है कीर्तन तो उसकी काफी आवाज आ रही है अभी, हेलो कर दो। तो मैं ऐसे भी बाहर बैठ गई हूँ, मतलब बाहर नहीं बैठी तो रूम में हूँ, पर बालकनी साइड बैठी हूँ। तो गाइज देखो अभी मैं बस कपड़े अरेंज कर रही हूँ, इसमें टॉप्स कर दिए जो गर्म है, और इसमें इनर हाफ स्वेटर हो गए, ये पजामी और ये भी पजामी, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो पजामी बहुत रखनी पड़ती हैं बच्चों की, 30-35 पजामियाँ कर दी हैं अभी हमने, और कम रहेगी तो हम ले आएंगे, क्योंकि ट्विंस हैं तो कपड़े ज़्यादा लगते हैं इनके साथ में। और बाकी ये कपड़े सब अरेंज कर रही हूँ, घर के अलग बाहर के अलग, तो वो करने में बहुत टाइम लग गया। ये देखो पूरा खाली कर दिया मैंने फिलहाल,
और ये सब लगा रही हूँ आज कपड़े यहाँ सारे अच्छे से सेट कर देती क्योंकि ठंड आ गई है धीरे धीरे अब। सो गाइज अभी होगी शाम, मतलब रात ही होने को है, दिन छिप रहा है और हम जा रहे हैं मार्केट। तो गाइज देखो हमारे पास में गुरुद्वारा और कितने अच्छा डेकोरेशन आज हुई है क्योंकि आज है गुरु पर्व। तो जितने भी सिख भाई बहन वीडियो देख रहे हैं उन सभी को गुरु पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इतना अच्छा लग रहा है। तो गाइज हमारे यहाँ पे लगती है शाहदरा की फ्राइडे मार्केट, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और काफी बड़े एरिया में लगती है ये, और यहाँ पे काफी वैरायटी आपको मिल जाएगी डेली बेसिस के लिए, डेली आइटम जो बच्चों के लिए कुछ चाहिए वो सब भी। तो हम तो यहाँ पे आए थे कुछ सामान लेना था रिद्धि सिद्धि के लिए, छोटा मोटा घर का, तो सक्षम और मैं आ गए थे, बहुत रश रहता है। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप लोगों को देखनी है तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे काफी आइटम मिलते हैं आपको, आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे सिलमपुर की मार्केट फेमस है ना, ऐसे यहाँ की मार्केट भी बहुत फेमस है, तो यहाँ पे काफी आइटम मिल जाएंगे, कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छे मिलते हैं, कुर्ती वगैरह मिल जाती है डेली बेसिस के लिए, आपको जो घर में पहनने के लिए चाहिए वो सब भी मिल जाएगा, काफी आइटम मिलते हैं मतलब यहाँ पे। आप में से कभी कोई यहाँ पे आया है तो मुझे बताना जरूर कि हाँ हम आए हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छी चीजें मिलती हैं यहाँ पे, मैं तो आती रहती हूँ, मेरे तो मतलब अब महीने में 2-3 बार चक्कर लग ही जाता है। तो यहाँ पे हमने लेना तो कुछ नहीं था, हम ऐसे बस घूम रहे थे यहाँ पे, और उसके बाद हमने ये कैंडी ली थी सक्षम को क्योंकि अच्छी लगती है, बचपन के दिनों की याद दिला देती है, तो हमें भी पसंद है, और रिद्धि सिद्धि भी इसमें से ट्रॉफी एक तो खा लेती तो उनके लिए भी ले ली थी यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हमने कराई अपनी जलेबी पैक क्योंकि यहाँ पे जलेबी बहुत अच्छी बनती है एक दुकान पे, तो वो जलेबी लेने आए हैं सक्षम और मैं। तो गाइस देखो हमने जलाई है 365 बत्तियां, ये हमने लगाए हैं दिए क्योंकि आज है देव दिवाली, ये देखो। अभी भी कुछ कुछ दिवाली की वाइब्स आ रही हैं क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है अभी भी लाइटें। तो गाइस चलिए यार व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अब आपसे फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।